आज की इस वीडियो में आप देख रहे हो गुलमोहर क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स को। इस वीडियो में आप सबसे पहले देखोगे एक चार्ट को जिसमें अलास्का में हुए ग्लोबल वार्मिंग के असर को बताया गया है। सबसे पहले है थोइंग पेरमफ्रोस्ट, यानी धरती के पिघल जाने का मतलब जमी हुई धरती के पिघल जाने पर क्या असर पड़ेगा। फर्स्ट ग्राउंड इनस्टेबिलिटी, कि जमीन की स्थिरता खत्म हो जाएगी, जमीन स्थिर नहीं रहेगा। सेकेंड मोर ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज, ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होंगी। नेक्स्ट है कोस्ट इरोजन, इससे समस्या आएगी लॉस ऑफ लैंड यानी जमीन के कम हो जाने का। और सेकंड है बैंक इरोजन। नेक्स्ट है रिवर बैंक इरोजन, मतलब नदी की जगह मतलब नदी के आसपास की जगह जमीन का कटना जो नदी में समा जाती हैं। इससे आंसर है एक्सीलरेटिंग रिवर बैंक इरोजन। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी है थोइंग पेरमफ्रोस्ट कोस्ट टू यूपी पीपल, कि जमी हुई धरती के पिघल जाने पर यूपी के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। इससे जमीन की स्थिरता कम हो जाएगी, जमीन के आसपास के जो घर बने हुए हैं जमीन पर वो धंसने लगेंगे या झुक जाएंगे, जितनी भी इमारतें वगैरह हैं वो गिरने लगेंगी, इससे गांव और बहुत ज़्यादा असुरक्षित हो जाएगा। सेकेंड है हाउ इज़ द निकलिक रिवर अ ट्रीट टू न्यूटोक, द निकलिक रिवर इज इरोडिंग द लैंड ऑन विच न्यूटोक इज बिल्ड ट्रीटिंग टू वॉश अवे द इंटायर विलेज। दी निकलिक रिवर जो है वो जमीन का कटाव कर रहा है, जमीन को मतलब जमीन का कुछ हिस्सा काट कर मतलब अपने उस पर जो है निकलिक रिवर जो है अपने अंदर खींच रहा है। इससे धीरे धीरे क्या होगा कि पूरा गांव की जो जमीन है वो निकलिक रिवर में समा जाएगी। नेक्स्ट है गिव अ रीजन व्हाई द यूपी पीपल हैव वेटेड फॉर टू डिकेड्स टू मूव, निकलिक यहाँ पे पूछा है कि वो रीज़न बताओ कि यूपी पीपल को 2 दशकों तक यानी 20 सालों तक का इंतज़ार क्यों करना पड़ा अपनी जगह से मूव करने के लिए। क्योंकि यूपी पीपल को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उन्हें कंप्लीट होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा था, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं और जो फंड है उसे मिलने में बहुत ज़्यादा देरी हो रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट डज हाई हायर ग्राउंड मीन, हायर ग्राउंड का मतलब है एक ऐसी जगह जो बाढ़ की जगह से बहुत ऊंचाई पर बनी हुई हो जिस पर बाढ़ का असर नहीं पड़ेगा। सेकेंड वाई इज़ द न्यू टाउन बींग बुल्ट ऑन हाई ग्राउंड, कि नया जो टाउन है इनका वो हाई ग्राउंड पर ऊंची ज़मीन पर क्यों बनाया गया। वही आंसर होगा कि इसलिए बनाया गया जिससे कि इस पर बाढ़ का जमीन के कटाव का कोई असर ना पड़े। वाट आर द चैलेंजेस दैट द यूपिक पीपल फेस नाउ, अब उन्हें कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दे फेस चैलेंजेस सच एज कंस्ट्रक्शन न्यू होम, कंस्ट्रक्टिंग न्यू होम, अडेप्टिंग टू अ न्यू एनवायरनमेंट, कोपिंग विद द इमोशनल डिफिकल्टी ऑफ लिविंग देयर एंसेस्ट्रल होम, कि अब उन्हें नए घर बनाने पड़ रहे हैं, एक नए एनवायरनमेंट में रहना पड़ रहा है और उस इमोशन से उस फीलिंग से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है उनके लिए जिसमें वो पहले रहा करते थे अपने पूर्वजों के घर में, अब उन्हें वैसे ही ये घर बनाना है। नेक्स्ट है अनवांटेड फीलिंग अबाउट मूविंग ग्रो स्ट्रोंगर, व्हाट काइंड ऑफ अनवांटेड फीलिंग इज मार्था टॉकिंग अबाउट, मार्था इज रिफर्स टू द फीलिंग ऑफ सैडनेस फियर अनसर्टेनिटी अबाउट लिविंग हर होम एडजस्टिंग टू अ न्यू लाइफ इन वार्टविक। नेक्स्ट है इमेजिन योर सेल्फ इन मार्था सो, वाई इज स्टेइंग हेयर इज इन न्यूटोक नो लॉन्गर फन फॉर हर, स्टेइंग इन न्यूटोक इज नो लॉन्गर फन बिकॉज द विलेज इज इंक्रीजिंगली अनसेफ आइसोलेटेड एंड डिस्ट्रोरेटिंग ड्यू टू इन्वायरमेंट चेंजेस, सॉरी स्टेइंग इन न्यूटोक इज नो लॉन्गर फन बिकॉज द विलेज इज इंक्रीजिंगली अनसेफ आइसोलेटेड डिट्योरेटिंग ड्यू टू इन्वायरमेंट चेंजेस, मतलब ये है कि न्यूटोक में रहना अब उसके लिए ज़्यादा मज़ेदार नहीं है क्योंकि धीरे धीरे ये जो गांव है ये असुरक्षित हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है और जो इमारतें हैं या घर हैं वो गिर रहे हैं। यहाँ आइसोलेटेड मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लोग रह गए हैं, अकेलापन रह गया है और इन्वायरमेंट धीरे धीरे सभी चीज़ों को तबाह कर रहा है। नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक मार्था डू नॉट गो टू मार्टविक विथ हर फैमिली, मार्था माइट हैव स्टेड बिहाइंड बिकॉज ऑफ इमोशन टाइज टू अ न्यूटोक फियर ऑफ चेंज एंड पर्सनल रीजन दैट मेड इट हार्ड फॉर हर टू लीव, कि मार्था अपने परिवार के साथ मार्टविक इसलिए नहीं गई क्योंकि उसका जो इमोशन उसकी जो फीलिंग है वो अभी भी न्यूटोक यानी पुरानी जगह से जुड़ी हुई है, उसे बदलाव से डर है और कुछ अपने पर्सनल रीजन है जिससे वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाह रही,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का ए, हाउ डज द यूपी पीपल अडेप्टेड ओवर टाइम, इन वाट वे दे हैव बीन फ्लेक्सीबल। आंसर इज द यूपी पीपल हैव अडेप्टेड बाई एडजस्टिंग देयर लाइफ स्टाइल टू चेंजिंग इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग रीलोकेटिंग एंड अल्टरिंग ट्रेडिशनल प्रैक्टिस टू सूट न्यू कंडीशन। क्वेश्चन बी, हाउ इज द कंडीशन ऑफ द यूपी पीपल अ वार्निंग फॉर द इंटायर वर्ल्ड। द कंडीशन ऑफ द यूपी पीपल सर्व्स एज अ वार्निंग अबाउट द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, हाईलाइट द नीड फॉर अर्जेंट एक्शन टू प्रिवेंट सिमिलर क्राइसिस वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट है अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट के आंसर्स। तो वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है, और अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के आखिर में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।